नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिला लातेहार के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। ओबीसी समाज के 27% के फैसले को ऐतिहासिक बताया है, लेकिन लातेहार जिला पिछला रहने के कारण ओबीसी समाज के लोगों को 0% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोगों के द्वारा इस मामले को नजरअंदाज करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के इस बड़ी आबादी वाले लोगों के साथ सरकार अन्याय की है। उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर लातेहार जिले में ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग की है। पूरे स्टेट में 27% आरक्षण दी जाएगी, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना है कि हमारे लातेहार जिला में वो आरक्षण एकदम शून्य है। तो हम लोग सारे लोग जितने जिलावासी हैं गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि जो झारखंड में 27% आरक्षण की घोषणा की गई है उसका फैसिलिटी हमारे लातेहार जिला को भी मिले। नहीं, पहले भी शून्य था, अभी भी शून्य है, तो इस तरह से हम लोग को कोई फायदा नहीं है। मैं पुनः सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग पूरी जनता पर ध्यान दें और लातेहार जिला को 27% आरक्षण देने की कृपा की जाए। ओबीसी का आरक्षण 27% दिए, लेकिन लातेहार जिला में आरक्षण शून्य है। इस पर ध्यान देते हुए और काम करने के लिए सरकार से दरख्वास्त करते हैं हम लोग कि काम पूरा करें कि ताकि लातेहार जिला को 27% आरक्षण मिल सके। वी टाइम न्यूज़ के लिए लातेहार से बद्री प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट।